नमस्कार, मैं अभिषेक रावत, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। उत्तराखंड से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। नौसेना के चार जवानों के पार्थिव शरीर नेवी हेडक्वार्टर भेजे, दो की तलाश जारी। बद्रीनाथ वन्य जीव प्रभाग के DFO आशुतोष सिंह ने बताया कि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से चार लोगों को माउंट त्रिशूल के पर्वतारोहण की अनुमति मिली थी। अनुमति पत्र में पर्वतारोही दल को चमोली के बद्रीनाथ वन्य जीव प्रभाग के DFO कार्यालय से अनुमति लेने के लिए कहा गया था, लेकिन दल ने विभाग से संपर्क नहीं किया। इस वजह से वन विभाग को पर्वतारोही दल के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। पुलिस कर्मियों के परिजनों से भरी हुंकार। रात तक बैरियर पर डटे रहे 200 से ज्यादा लोग। देहरादून में 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिस कर्मियों के परिजनों ने CM आवास कूच किया, जिन्हें हाड़ी बदलता बैरियर पर रोक लिया गया। करीब 200 से ज्यादा परिजनों को पुलिस प्रशासन ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह रात तक मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने 4600 रुपए के ग्रेड पे पर आज दो अविधो के नारे भी लगाए। पतंजलि योगपीठ में साध्वी ने 5वीं मंजिल से कूद कर दी जान, 7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। हरिद्वार के भाद्राबाद थाना क्षेत्र स्थित पतंजलि योगपीठ के शिक्षण संस्थान वैदिक कन्या गुरुकुल में रहकर अध्ययन और अध्यापन कर रही साध्वी के 5वीं मंजिल से कूद कर जान दे दी। सूचना मिलने पर SPCT कमलेश, उपाध्यक्ष व भाद्राबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। उत्तराखंड में 31 मार्च 2022 तक सभी भर्तियों के लिए आवेदन में शुल्क मांग। उत्तराखंड में आगामी 31 मार्च 2022 तक निकलने वाली सभी भर्तियों के आवेदन में अब शुल्क फॉर्म भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस घोषणा का शासन आदेश जारी हो गया है। प्रदेश की विभिन्न चयन संस्थानों की ओर से भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के लिए उम्मीदवारों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लेने का शासन आदेश जारी कर दिया गया है। चर्च में हमले के मामले में आया नया मोड़, धर्मांतरण के बदले रकम और नौकरी का लालच देने का आरोप। रुड़की के चर्च में हमले के मामले में रविवार देर शाम एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसे सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया गया था। यहां उसके साथ कुछ और लोगों को धर्मांतरण के बदले 2-2 लाख रुपए, नौकरी व मकान का लालच दिया। विरोध करने पर उन पर दबाव बनाया गया। आरोप है कि चर्च में मौजूद महिला और पुरुषों ने धर्मांतरण नहीं करने पर गाली गलौज कर मारपीट की। यही नहीं, गले से सोने की चेन और अन्य सामान भी छीन लिया। उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग पहुंचे और उनको बचाया। गंगा स्नान के लिए गई हरियाणा की दो सगी बहनें और ननंद तेज भाव में बही। ऋषिकेश में रायवाला थाना क्षेत्र के हरिपुर कला में गीत कुटीर घाट पर गंगा स्नान कर रही हरियाणा की दो सगी बहनें और उनकी ननंद गंगा के तेज भाव में बह गई। मौके पर पहुंची पुलिस SDRF की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं लग पाया। माउंट त्रिशूल आरोहण के लिए गए नौसेना के 4 अफसरों के शव मिले, दो की तलाश जारी। त्रिशूल पर्वत पर आरोहण के लिए नौसेना के दल 23 सितंबर को सुतोल गांव से आगे निकला था। विगत रविवार सुबह करीब 5 बजे दल के कुछ सदस्य हिमस्खलन की चपेट में आने से लापता हो गए। रविवार से लापता सदस्यों की तलाश के लिए अभियान चल रहा था। बिजली उपभोक्ताओं को दोहरी राहत, लाइन लॉस होगा कम और बकाया देने पर सरचार्ज माफ। उपभोक्ता को निबोध और गुणवत्ता युक्त बिजली आपूर्ति करने के साथ लाइन लॉस को कम करने के लिए उत्तराखंड में रियल टाइम डाटा सिस्टम परियोजना शुरू हो गई है। इसके साथ ही एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत देहरादून के पथरी बाग में 11.10 करोड़ की लागत से निर्मित 33/11 kV गैस इंसुलेटेड स्विच गेयर रूप संस्थान शुरू हो गया। इस परियोजना को पूरा करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तरकाशी में नदी में गिरी कार, वाहन और 2 शिक्षक लापता। हादसा तहसील लुटगा के अंतर्गत देवीधार के पास भड़का पटवारी चौकी में हुआ। यहाँ वैगनर कार नदी में गिर गई, जिसके बाद से वाहन समेत 2 शिक्षक लापता हैं। राजधानी देहरादून सहित हल्द्वानी शहर में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। देहरादून के बजरावाला और कांगी सहित कई इलाकों में सुबह 7 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। कुछ ऐसा ही मौसम हल्द्वानी में देखने को मिला। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोमांचक और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहें राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क।